Hi everyone, welcoming all of you to the Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your Master Teacher of Chemistry. So, today we will discuss the halogen derivatives chapter. So, let us discuss some expected questions for Maharashtra Board students. So, these are the some expected and most important questions. So, let us discuss one by one. So, first question is, what do you understand by the term ordinary light? कि आपको पूछ रहा है कि ordinary light इस term से आपको क्या समझता है? सेकेंड आपको ये पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिज्म. तीन मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसका आंसर हम लोगों को बच्चों पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से. सो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग एन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स. चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम. देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि जो आपके पास ना ऑर्डिनरी लाइट है ना, उसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में फिर बता रहा है. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो आपको नाम से पता चल जाएगा इलेक्ट्रो बोला है. इलेक्ट्रो मतलब देखो, पहला इलेक्ट्रो का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का मीनिंग हो गया मैग्नेटिक. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो टाइप के फील्ड रहेंगे, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें. फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं बच्चों. ऑर्डिनरी लाइट इसी को बोलते हैं, ठीक है बच्चों. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट. देखो बच्चों, इसमें कैसा हो रहा है कि आपके पास ना एक ना क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट है जिसको आप निकोल प्रिज्म से पास करते हो, फिर वो एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है. चलो इसको हम लोग बियॉन्ड द टेक्स्टबुक समझने की कोशिश करते हैं. सपोज एक विंडो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों. उस विंडो के अंदर ना कुछ रॉड्स लगी हुई है लाइक 1 2 3 4. अब मुझे बच्चों कुछ ना इस विंडो के बाहर फेंकना है कोई सब्सटेंस, ठीक है. तो फिर मैं कैसे फेंक सकता हूँ? अगर सपोज मैं इस तरीके से फेंकता हूँ तो अब क्या होगा, ये पास होगा बच्चों इस विंडो के बाहर? नहीं होगा. जरा खुद से सोचने की कोशिश करिए, जब मैंने इसको इसके परपेंडिकुलर में फेंका तब ये पास नहीं होगा. अगर सपोज मैं इसको ही इसके गैप के इस गैप के बीच में से फेंकता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, पास हो जाएगा. तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो. लाइट से आपके ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है. जब जैसे आप उसको निकोल प्रिज्म से पास करते हो तो फिर जो उसके पैरेलल में रहेंगे वो उनको पास कर देता है और एक प्लेन में कन्वर्ट कर देता है. अब आपको ना यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट इज पीपीएल? तो पीपीएल का मतलब समझ जाना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है. तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस क्वेश्चन का? सबसे पहले आप लोगों ने क्या बताया बच्चों, देखो सबसे देखो बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी इस क्वेश्चन का यही है. सबसे पहले आपको पूछा था ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो ऑर्डिनरी लाइट के टर्म्स से मतलब. सेकंड आपको बोला कि सर ऑर्डिनरी लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो क्या होगा. तो सबसे पहले आपने इसका क्या किया, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वो आप लोगों ने बता दिया, ठीक है. और वो सारे के सारे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, 1 2 3 किसी भी डायरेक्शन में. फिर इसके बाद आपने क्या बताया कि सर आप इसको निकोल प्रिज्म से पास करोगे ना तो इसका जो ऑसिलेशन है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में होगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. निकोल प्रिज्म के लिए है और ये ऑर्डिनरी लाइट टर्म के लिए, ठीक है. आई होप समझ में आ रहा होगा. Moving to the next question बच्चों, the next question is very very important. So moving to the next question, so the question is explain optical isomerism in 2-chlorobutane and the second question is define racemic mixture. Let us understand. देखो बच्चों, अगर ये आपको चाहे तो ना ये क्वेश्चन दोनों का दोनों कंबाइन करके 4 marks के लिए पूछ सकता है. आइदर ये सेपरेट में जब भी पूछेगा तो समझ जाना 2-chlorobutane के बारे में 3 marks का पूछ रहा है, और ये 1 sentence में आ सकता है racemic mixture के बारे में. So let us understand. देखो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले ना मैं आपको देखिए थोड़ा सा एक अच्छा टेक्निक बता दो. आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना उसके बस लास्ट पॉइंट में हमेशा ऐसे ही लिख दिया करो आंसर के टाइप, हैंस 2-chlorobutane एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब हैंस प्रूव्ड ऐसा ऐसा करके जैसे हम लोग लिखते थे ना लोअर स्टैंडर्ड्स में, तो वैसे ही यहाँ पे भी लिख के आपको ना एक मार्क्स ले लेना है, ठीक है. इस पे भी 0.5 mark मिल जाता है आपको कभी कभी. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट आंसर कैसे लिखना है. देखो ध्यान से, इसका आंसर आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा. देखो स्टीरियो आइसोमर्स इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एटम्स अराउंड द कायरल एटम इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. और 2-chlorobutane के पास एक कायरल कार्बन एटम है जिसको सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, और इसका मिरर इमेज यहाँ पे दिया हुआ है. चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सपोज ये आपका ना यहाँ पे एक सेंटर में कार्बन एटम है, यू कैन सी ओवर हियर. ये कार्बन एटम, वी नो दैट कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 4 ग्रुप्स यानी कि 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है. यू कैन सी ये एक मिथाइल है एंड दिस इज C2H5, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो चारों के चारों बच्चों डिफरेंट है. जैसे आप इसको एक मिरर के थ्रू पास करते हो तो क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आ जाता है और ये क्लोरीन है ये यहाँ पे आ जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बियॉन्ड दिस टेक्स्ट बुक. सपोज मेरे पास ना यहाँ पे एक BMW की कार है, ठीक है बच्चों. अब इस BMW की कार के साथ मैंने देखिए मैं फोटो शूट के ले गया हूँ, तो मैं इसके क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं फोटो खिंचाने के. देखो मेरे पहला मैं फोटो यहाँ से क्लिक करा सकता हूँ फ्रंट से, राइट.
सेकंड में यहाँ से निकाल सकता हूँ, थर्ड में यहाँ से निकाल सकता हूँ, फोर्थ में यहाँ से निकाल सकता हूँ। और जब मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, सर ये भी फोटो डिफरेंट है, फ्रंट वाली है, लेफ्ट वाली है, राइट साइड में, और ये बैक साइड की फोटोज है, राइट। तो फिर इससे अपने को क्या समझता है कि बच्चों देखो कार तो मेरी एक ही है BMW, राइट, कार तो सिंपल ही है, सेम है, बट उसकी जो फोटोज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी मेरा जो कार्बन है वो सेम ही एक ही है, बट उसको जो चार ग्रुप्स अटैच है CH3H C2H5 CL, चारों के चारों डिफरेंट है। तो इसी कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, और इसको हम लोग एक एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, इसको राइट एसिमेट्रिक एस्टेरिक साइन के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा रहेगा। और जब आपने इसको मिरर के थ्रू पास किया तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ डेक्स्ट्रो से लीवो मतलब चेंजेस हो जा रहा है इनके रोटेशंस के अंदर। और आपने क्या किया देखो, नेक्स्ट ये देखो इसको उठा करके आपने यहाँ रख दिया कुछ इस तरीके से, और इसको उठा करके आपने यहाँ रख दिया। तो फिर ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एस एनांशियोमर्स। यहीं से इसी को हम लोग एनांशियोमर्स भी बोलते हैं बच्चों, जो आपको दिख रहा है ना ये बॉक्स में, इसको हम लोग एनांशियोमर्स भी बोलते हैं, याद रखना। यहाँ पे रोटेशन भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, इधर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, इधर ये लीवो रोटेटरी हो सकता है। ये आपको रेस्मिक मिक्सर वाले क्वेश्चन में यूज होगा। आई मीन टू से देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई लाइट आ रही है और उसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे प्लस के साइन से। अगर कोई लाइट आ रही है जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे लियो रोटेटरी, और उसको हम लोग नेगेटिव के साइन से यूज डिनोट करेंगे। तो चलो देखो बच्चों, अब ये फोर्थ एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कुछ इस तरीके से, टू क्लोरोब्यूटेन कैन नॉट सुपर इम्पोजिबल परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज। हम लोगों ने देख लिया था बच्चों यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने इसको और इसको दोनों को ला करके यहाँ पर रखा था तो फिर क्या हो जाता था, ये दे बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसका हाइड्रोजन ये साइड में आ रहा है, इसका ये साइड में आ रहा है, एक के पीछे एक नहीं आ रहा है। आई मीन टू से देखो, सपोज आप एक पानी का ग्लास लो और उस पानी के ग्लास को अगर क्या रखा आप मिरर से पास करोगे तो फिर वो पानी का ग्लास आपको ये साइड में जैसा है वो साइड में भी वैसे ही दिखेगा, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था, इस साइड में हाइड्रोजन दिख रहा था बट यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये कैसे के ऐसे टाइप के हम लोग बोलते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बोलते हैं बच्चों। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, आप मॉरल ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इनका जो उनका स्पाइटल अरेंजमेंट है उनके पास एक कायरल कार्बन एटम होता है सर, और जो कायरल कार्बन एटम रहता है ना उसको चारों के चारों ग्रुप से वो डिफरेंट अटैच होंगे। और फिर लास्ट में आपको ये बताना कि सर आपका ये जो टू क्लोरोब्यूटेन है ना इसका स्ट्रक्चर वो सुपर इम्पोजिबल परफेक्टली नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऑलराइट बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉड्यूल, द क्वेश्चन इज डिफाइन रेस्मिक मिक्सर। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, वन मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, एन इक्विमोलर मिक्सर ऑफ एनांशियोमर्स डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी इज कॉल्ड एज रेस्मिक मिक्सर और रेस्मिक मॉडिफिकेशन। लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इजी वाइज। देखो बच्चों, अब इसमें आपको करना क्या है ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब देखो आपको ना, सपोज आपने ना एक प्लेन पोलराइज लाइट ले ली, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, और दूसरा आपने एक समथिंग कंटेनर ले लिया देखो ऐसे करके। अब इस कंटेनर के अंदर ना एक मिक्सर प्रेजेंट है जो कि मिक्सर एक डी टाइप का और एक एल टाइप का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डी टाइप वाला करेगा बच्चों क्लॉकवाइज में रोटेशन और एल वाला करेगा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन। तो देखो अगर आप ये तीन लाइन को इसमें से ऐसे पास करोगे तो डेक्स्ट्रो वाला क्या करेगा, इन सारे तीनों को किस में कर देगा, क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। और लियो वाला क्या करेगा बच्चों, इन सारे के सारे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। तो फिर हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, सोचने की कोशिश करो। जितने इसने तीन क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिए, उसने उन्हीं तीनों को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया, तो अपने को सिमिलरली जैसे पहले लाइंस थी वैसी ही मिल जाएंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा रेस्मिक मिक्सर। आपको क्वेश्चन मॉडिफिकेशन पे भी पूछ सकता है, सो कंफ्यूज नहीं होना, मिक्सर और मॉडिफिकेशन दोनों भी एक ही बात है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, एंड दिस इज माई ईमेल ID। अरे बच्चों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग 16 के 16 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर लेते, ठीक है। आई कांट वेट अंटिल द डे आई कैन से आई मेड इट। आपको मेरे साथ चलना है बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के उसी दिन करने हैं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, सो दैट अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों। सो दिस इज अ पार्ट टू ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, आप पार्ट वन भी देख लेना बच्चों प्लेलिस्ट में जा करके, एंड इसके बाद इसका एक लास्ट आएगा पार्ट थ्री और वो आने वाला है कल बच्चों। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, ये अपने दोस्तों से शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।